हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की लेडी सुपरस्टार काजल अग्रवाल की पूरी संपत्ति और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में। इस वीडियो में हम उनकी संपत्ति, कमाई, लग्जरी लाइफस्टाइल, हाउस और कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। अगर आपको काजल अग्रवाल पसंद है, आप उनके फ़ैन हैं, तो एक कमेंट ज़रूर कर दें, आई एम फैन ऑफ काजल अग्रवाल, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। काजल अग्रवाल इन दिनों सोशल मीडिया में छाई हुई हैं। साउथ की लेडी सुपरस्टार काजल अग्रवाल टॉप एक्ट्रेस में से एक हैं। काजल बॉलीवुड को बेहद ही हॉट एक्ट्रेस के रूप में जाने, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काजल अग्रवाल रियल लाइफ में किसी राजकुमारी की तरह जीती हैं। काजल का जन्म 19 जून 1985 को मुंबई में हुआ था। बॉलीवुड के अलावा काजल ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। काजल सिंघम, स्पेशल 26 और दो लफ्जों की कहानी जैसी फिल्मों में नजर आई थी। हालांकि काजल बॉलीवुड में अपना जलवा नहीं बिखेर सकी, लेकिन वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में से एक हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में करोड़ों में फीस चार्ज करने वाली काजल ने बीते दिनों बताया था कि अब वह अच्छे प्रोजेक्ट अपने खाते में जोड़ने के लिए आधी फीस कर देंगी। अपनी फिटनेस से लेकर अपनी लग्जरी लाइफ के लिए काजल हमेशा ही चर्चा में रहती हैं। काजल एक साल में 14 करोड़ रुपए तक कमा लेती हैं। फिल्मी करियर शुरू करने से पहले काजल ने कई विज्ञापनों में भी काम किया था। काजल अग्रवाल एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की प्रतिनिधित्व भी करती हैं। आइए जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके करियर, संपत्ति और वैवाहिक जीवन की कुछ रोचक खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके करियर के बारे में। काजल ने सेंट एनी हाई स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद काजल ने केसी कॉलेज मुंबई से अपनी ग्रेजुएशन मास मीडिया स्ट्रीम में पूरी की। काजल ने अपने करियर की शुरुआत बैकग्राउंड डांसर के तौर पर की थी। बताया जाता है कि वह फिल्म क्यों हो गया ना में बतौर बैकग्राउंड डांसर नजर आई थी। काजल का कहना था कि वे हिंदी फिल्में तो करती ही रहेंगी, लेकिन तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करना कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यही से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनके घर के बारे में। काजल अग्रवाल के घर की बात करें तो उनके पास एक नहीं बल्कि दो आलिशान घर हैं। जहां एक मुंबई में है तो वहीं दूसरा हैदराबाद में है, और इन घरों में सुख सुविधा का हर एक सामान मौजूद है। इन दोनों बंगलों की कीमत करोड़ों में है। अब उनके कार कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। वहीं बात काजल के लाइफस्टाइल की करें तो वह कई महंगी चीज़ों की मालकिन है। उनके पास कई लग्जरी कारें भी हैं। इनमें BMW, रेंज रोवर, मिनी कूपर और ऑडी जैसी कार शामिल है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। अब उनकी संपत्ति और कमाई के बारे में जान लेते हैं। काजल अग्रवाल एक साल में 14 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेती हैं। काजल के इनकम सोर्स में फिल्मों के अलावा विज्ञापन भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार काजल अग्रवाल की कुल कमाई यानी नेटवर्थ करीब 66 करोड़ रुपए है। लास्ट में बात कर लेते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। काजल अग्रवाल ने उद्योगपति गौतम किचलू के साथ 30 अक्टूबर 2020 को शादी रचाई थी। काजल अपने पति गौतम के साथ अक्सर रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। उनकी तस्वीरें फैंस के बीच काफ़ी पसंद की जाती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल चिरंजीवी की आने वाली फिल्म आचार्य में अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा वो नागार्जुन के साथ इंडियन 2 में भी नजर आने वाली हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया काजल अग्रवाल की आलिशान जिंदगी के बारे में। अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा भी मनोरंजन हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।